नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में तो कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम एस एस का एक नया नोटिस आया है एग्ज़ाम की नई डेट्स को लेके और रिजल्ट के बारे में तो आज किस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों आज किस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन दबा लें जिससे कि आप आने वाली किसी वीडियो को मिस ना कर पाएँ दोस्तों हमारे चैनल पे आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस और नई नई जॉब वैकेंसीज रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी हमने अपने चैनल पे एसएससी एमटीएस की डिफरेंट स्टेट की कट ऑफ वीडियोस एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस और जो एसएससी के यूएफएम केसेस हो रहे हैं उनको फुली एक्सप्लेन किया है आप चाहें तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं दोस्तों हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लाने के लिए आपके लिए डाटा अरेंज करने के लिए तो आपका एक एक सब्सक्राइब हमें बहुत हिम्मत देगा हमें बहुत खुशी देगा आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाने के लिए तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आप आने वाली किसी वीडियो के अपडेट को मिस ना कर पाए तो चलिए देखते हैं एसएससी का क्या कहना है एग्जाम की नई डेट्स के बारे में और रिजल्ट के बारे में द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज रिव्यूड सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक ऑन फोर मई टू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कोरोना वायरस की वजह से जो सिचुएशन बनी हुई है उसका फिर से रिव्यू किया है इट हैज़ बिन नोटेड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर

कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद एंड अहमदाबाद हैव बीन पुट इन टू रेड जोन विद मैक्म लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे मेट्रो सिटीज़ को मिलाकर लगभग 130 से ज़्यादा जिलों को रेड जोन में रखा गया जिन में है जिनमें सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं द कमीशन कंडक्ट्स इट्स एग्जामिशन इन मोर देन वन फिफ्टी सिटीज़ विच इंक्लूड्स ऑल मेजर सिटीज़ डिस्ट्रिक्स हेडकुआटर्स इन कंट्री कमीशन डेढ़ सौ से ज़्यादा सिटीज़ में अपने एग्जाम्स कराता है जिनमें ऑल मेजर सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट आते हैं द कैंडिडेट्स आर देर फोर रिक्वायर टू ट्रैवल टू अपेयर इन द एग्जामशंस दिस इज़ नॉट पॉसिबल एज लॉन्ग एज रेस्ट्रिक्शन इन मूवमेंट इंक्लूडिंग ट्रैवल बाई रोड ट्रेन एयर एक्सेट्रा आर इन प्लेस इन एन पार्ट ऑफ द कंट्री और कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेके पूरे देश में और इस वजह से कोई भी कैंडिडेट किसी भी ट्रांसपोर्ट मीडियम से ट्रैवल नहीं कर सकता चाहे वो एयर है चाहे बाय रोड है चाहे बाय ट्रेन है आगे इनका कहना है कि कीपिंग इन व्यू द अबो एंड इन कंटिन्यूशन टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड वाइल इट्स नोटिस नाइनटीन मार्च टू थाउजेंड अप्रैल टू एंड ट्वेंटी अप्रैल टू द कमीशन हैज़ डिसाइडेड द फॉलोइंग इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और जो हमारे पिछले नोटिस आए थे ऐसे के मार्च अप्रैल और चौबीस अप्रैल को उनको आगे कंटिन्यू करते हुए कमीशन ने नीचे दिए हुए निर्णय लिए हैं शेड्यूल्स फॉर कंडक्टिंग कंबाइंड हायर सेकेंडरी टेन प्लस टू लेवल एग्जामिनेशन टायर वन टू थाउजेंड नाइनटीन फॉर रिमेनिंग कैंडिडेट्स जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन पेपर वन टू थाउजेंड नाइनटीन स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन टू थाउजेंड नाइनटीन स्किल टेस्ट फॉर उन इंक्लूडिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन दोड ट्रेन एयर एक्सेट्रा जो हमारा शेड्यूल एग्जाम का सी एच एस एल दो हज़ार उन्नीस का टायर वन का जूनियर इंजीनियर दो हजार उन्नीस के पेपर वन का और जो हमारा स्टेनोग्राफर गेट सी एनडी का एग्जामिनेशन है दो हज़ार उन्नीस का और जो सी एच एस एल दो हज़ार अट्ठारह की स्किल टेस्ट है और जो हमारा सिलेक्शन पोस्ट एट टू थाउजेंड ट्वेंटी है उनकी डेट बाद में बताई जाएंगी जैसे ही हमारा रेस्ट्रिक्शन उनको हटा दिया जाएगा जो हमारे मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट है बाई रोड बाई ट्रेन बाई एयर उनसे जब रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगी उसके बाद ही कोई नई डेट बताई जाएगी एग्जामिनेशन की डेट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी अनाउंसड एट लीस्ट वन मंथ इन एडवांस फॉर कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट्स और किसी भी एग्जाम की डेट कैंडिडेट्स की के सुविधा के लिए एग्जाम के एक महीना पहले बता दी जाएगी एनुअल कैलेंडर ऑफ अदर एग्जामिशन ऑफ द कमीशन विल भी रिव्यूड इन लाइट ऑफ द डिसीजन ऑफ द गोर्मेंट विद रिगार्ड टू द लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ लॉकडाउन अक्रॉस द कंट्री और जो हमारा अदर एग्जाम्स का एनुअल कैलेंडर है उसको भी कमीशन रिव्यू करेगा जैसे ही हमारा लॉकडाउन हटता है फ्रेश डेट्स ऑफ द पेंडिंग रिजल्ट विल भी अनाउंस ओनली आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एज द एवल्यूशन वर्क हैज्सो बिन हेल्ड अप ड्यू टू कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक और जो हमारे एग्जाम्स हैं जिनके रिजल्ट पेंडिंग हैं उनके रिजल्ट की डेट कोविड नाइन्टीन की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन लगी हैं उनके हटने के बाद ही बताई जाएगी द द कमीशन कमीशन विल फर्दर रिव्यू सिचुएशन ऑन मई इस सिचुएशन पे अट्ठारह मई दो हजार बीस को फिर से विचार करेगा द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर अपडेट्स कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो कमीशन की वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहें तो दोस्तों आज के इस नोटिस से एसएससी ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि एग्ज़ाम्स की नई डेट्स के बारे में और रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की नई डेट्स के बारे में एसएससी फिर से मीटिंग करने वाला है अठारह मई के बाद तो दोस्तों कोरोना वायरस के कंट्रोल में आने के बाद और हमारे जो ये रिस्ट्रिक्शन लगा इसके हटने के बाद कोई भी एग्ज़ाम हमारा हो पाएगा या कोई भी रिजल्ट हमारा अनाउंस हो पाएगा और हमारे पास जैसे ही कोई अपडेट आती है आपके एग्ज़ाम के बारे में या आपके रिजल्ट के बारे में हम आपको जल्द से जल्द अपडेट करेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें शेयर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन दबा लें जिससे कि आप आने वाली किसी वीडियो को मिस ना कर पाएँ दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वारी है या आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं किसी भी एजुकेशनल टॉपिक के बारे में तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं हम आपका रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपने परिवार वालों का ख्याल रखें घर में रहें स्वस्थ रहें सरकार के निर्देशों का पालन करें धन्यवाद जय हिंद